नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द हिंद एम्पायर। दोस्तों, लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आए हुए हैं आज मौनी बाबा गौशाला। मौनी बाबा गौशाला के अंदर मैं कुछ इधर की जानकारी देना चाहूँगा कि मौनी बाबा गौशाला के अंदर जो मौनी बाबा थे, उन्होंने काफ़ी वर्ष कंदराओं में तपस्या की और यहाँ पर एक खूबसूरत गौशाला है, तो हम उसी गौशाला के अंदर आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी भक्त वीडियो के साथ जुड़ते जाएं और भावपूर्ण दर्शन करें। यहाँ पर बाबा देखिएगा, सभी दर्शन करें। ये बाबा की कुटिया है, यहाँ पर बाबा साधना में बैठा करते थे। ये देखिएगा, इन्होंने बाबा की प्रतिमा को इस तरह से लगा रखी है। देखिएगा, बाबा तो ब्रह्मलीन हो गए लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षात बैठे हों। सभी भावपूर्ण दर्शन करें। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं गोरक्षक यशपाल आचार्य जी से। मैं यशपाल आचार्य वर्तमान में व्यवस्थापक हूँ 10 साल से मौनी बाबा गौशाला का, और यहाँ पर जो गाय है वो सभी गाय कसाईयों से, गौ तस्करों से छुड़ाई हुई है, और सनातन धर्म की नींव जो गौ माता है वो तो स्वयं एक चलता फिरता वैद्य है। गाय के गौमूत्र से लेकर, गाय के गोबर से लेकर, गाय के दूध से लेकर सारे ही औषधीय गुण हैं। पंचगव्य से लेकर जहाँ गाय रहती है वहाँ स्वयं कृष्ण भगवान वास करते हैं। ये हमारी संस्कृति की परंपरा है, क्योंकि माँ शब्द भी गौ से ही प्राप्त हुआ। हर जीव की बोलने की प्रक्रिया अलग है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है जो माँ कहता है। इसलिए हमारी संस्कृति को खोज कर देखें तो माँ शब्द की उत्पत्ति हमें गौ माता से मिली है। जब गाय रंभाती है, पुकारती है तो माँ कहती है, और माँ शब्द की कोई तुलना नहीं है। माँ शब्द बहुत बड़ा है अपने आप में। जिस गौ माता ने हमको माँ पुकार कर वो शब्द दे दिया, इसलिए वो सर्वव्यापी गौ माता, तीर्थमयी गौ माता इस मौनी बाबा गौशाला में निवास करती है। और यहाँ की कमेटी के प्रवक्ता रहे माननीय, जो इस पौधे को लेकर चलते रहे गौशाला के पौधे को, अध्यक्ष साहब कंवर सिंह जी, बहुत बड़े संत हुए जिनका ये आश्रम है मौनी बाबा। ऐसे ही 3-4 आश्रम और हैं, इतने बड़े संत हुए, और ये दास संप्रदाय थे। जो संप्रदाय होते हैं संतों में, वो दास संप्रदाय से थे महाराज जी, और तपस्वी थे। कंधराव में बहुत तपस्या की, झिर में बहुत तपस्या की, बेरू आश्रम है, उदयपुर आश्रम है। तो ऐसे संत जहाँ जहाँ पर रहे उनकी अंदरूत भावना भी थी कि वहाँ पर गौ माता का निवास हो, क्योंकि हमारी संस्कृति का अंग है। हमारे तो देवी देवता ने भी गौ माता को अपने साथ रखा है, चाहे कृष्ण भगवान को लो और इस युग में चाहे रामदेव को लो, तो गाय का हाथ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम गौ माता को प्रणाम करते हैं। गाय के घूसे घी से कभी भी जीवन में पैरालाइज नहीं हो सकता, गाय के गौमूत्र से जीवन में कभी कैंसर नहीं हो सकता, गाय के गोबर से किसी माँ को पीड़ा हो जो गर्भवती हो उसको कभी पीड़ा नहीं हो सकती। जहाँ गाय निवास करती है वहाँ स्वयं गूगल की गंध की वास होती है, जिसकी गंध से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं शरीर के। इसलिए गाय के पास रहना चाहिए, गाय के पास हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में तारणी गौ माता ही है।
जो इस भव सागर से तार सकती है, और कोई उपाय नहीं बचा। गौमाता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवताओं का एक चलता फिरता वो साम्राज्य, वो महल, वो मंदिर है गौमाता। जहाँ से चलते वहाँ का पूरा वातावरण शुद्ध होता चला जाता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी निवास करती है, जो सूर्य से स्वर्ण भस्म ग्रहण करती है। इसलिए गाय के घी में पिलवास होता है, दूध में भी पिलवास होता है, जो शरीर के जितने भी एंटीबॉडी है उसको डेवलप करती है। और गाय के गलकंबल होता है, जिसको सहलाने से, जिसको खुजाने से जो भी आप गौमाता से मांगेंगे वो आपको प्राप्त होगा। हमारी गीता में लिखा हुआ है, जो गौ को तृण खिलाता है वो भवसागर तर जाता है। तृण यानी दूब। जो गौ माता को प्रातःकालीन अपने हाथों से दूब खिलाता हो, जो गौ माता को प्रातःकालीन अपने हाथों से गौ माता की रोटी खिलाता हो, तो उससे अच्छा और पुण्य क्या हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ सनातन धर्म लंबियों से कि अपने घर में गाय ना रहे तो भी गौशालाओं को अनुदान दें, गौशालाओं में जाएं और एक गाय को गोद लें, अपने जीवन में प्रण करें कि हम एक गाय को गोद लेंगे, जिससे कि इस भव सागर में तड़प रही गौ माता का उद्धार हो सके। क्या पता हमें उस परमेश्वर ने, उस गौ माता ने इसीलिए भेजा हो कि ये प्राणी मात्र इन गौ माता की सेवा करते हुए और इस संसार को जागृत करते हुए, ये चैतन्य जागृत होते हुए ये गौ माता का उद्धार भी होगा, हमारा भी उद्धार होगा। दोस्तों, मैंने आपको मौनी बाबा गौशाला के जो यशपाल आचार्य जी हैं उनके विचार सुनाए। अगर जो आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।